ये एक इनवलेंट्री अनपलैंड जो होता है एक्शन होता है जो हम स्टीमलेस के ऊपर अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं रिफ्लैक्सिस आर फॉर्म विद वेरिंग लेवल ऑफ कम्पलेक्सिटी इन ऑर्गेनिज्म विद द नर्वस सिस्टम आर रिफ्लेक्स अक्कर वी आर न्यूरल पाथवे इन द नर्वस सिस्टम कॉल्ड फ्लैक्स आख यानी कि ये एक अनप्लैंड और इन्वलेंट्री एक्शन होता है जो कि हम एक स्टीमलेस के ऊपर अपने रिस्पॉन्स के तौर पर शो करवाते हैं एक्शन करते हैं जैसे कि अगर हमने हमारे आगे कोई गर्म चीज़ है और हमारा हाथ उसे टच करता है और अभी उसके थोड़ा सा ही टच हुआ है यानी कि चूल्हे के ऊपर जो है वो स्टोव के ऊपर एक पोट पड़ा हुआ है और हमने उसे टच किया है और अभी हमारी सेंसेस ने बस थोड़ा सा फ़ील ही किया है और अनप्लान इनपलेंट्री इन जो है वो एक्शन हुआ है स्टीमलेस को मिलते ही ऑटोमेटिकली जो है ये हमारे जो सेंसेस हैं वो ट्रांसफर होती हैं मैसेज को ट्रांसफर करती हैं न्यूरल एक्टिविटी में और हमारे ब्रेन तक मैसेज आ जाता है और फौरी तौर पे हम अपना हाथ जो है वो उस बर्तन के ऊपर से उस पोर्ट के ऊपर से साइड पे कर लेते हैं कि ये गर्म है और ये जो कंप्लीट एक्शन होता है इसे रिफ्लेक्स आंक या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं और ये कुछ सेकेंड्स से भी कम टाइम लगता है जिसके अंदर ये कंप्लीट एक्शन जो है ये हो जाता है द रिफ्लेक्स आर्क इज अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरल सर्कट डेट बिगिन विद द सेंसरी न्यूरोन एट रिसेप्टर रिसप्टर पेन रिसेप्टर इन द फिंगर टिप एंड एंड्स विद द मोटर न्यूरोन एट एन इफेक्टर आ स्केल्टल मसल यानी कि हमारा जो पेन रिसेप्टर फिंगर के ऊपर ये हमारा एक रिसेप्टर होता है ये रिसीव करता है सेंस को जब बर्तन के ऊपर हमारा हाथ लगता है हमारी फिंगर टिप हम लगाते हैं तो रिसेप्टर जो होता है वो हमारी फिंगर होती है और जो इफेक्टर जिसने आगे एक्शन पर परफॉर्म करना था वो हमारा मसल होता है यानी कि फौरी तौर के ऊपर जब हम फिंगर की टिप लगती है और जो रिस्पॉन्स जो आगे मैसेज जाता है ब्रेन तक और फौरी तौर पे आगे ब्रेन जो वो एक्शन वो मसल को मैसेज भेजता है और जो कि रिसेप्टर होता है रिसीव करने वाला और फौरी तौर पे हम अपनी फिंगर टिप को रिमूव कर लेते हैं स्टेप्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क इनहिबटरी इंटरन्यूरोन हेल्प रिफ्लैक्सिस वर्ड द राइट वे एवरी टाइम एवरी टाइम जो इस तरह कुछ भी जो रोंग वर्क हो रहे थे उनको राइट right के अंदर इस तरह चेंज करना राइट वे में लेके आना ये रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होता है सो द रिफ्लेक्स आ कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेप ऑर्डर सेंसर सेंसरी न्यूरॉन जो कि सेंसिस को फील करते हैं कंट्रोल सेंटर होता है जो कंट्रोल करता है मैसेज पहुंचाता है सारा और फिर मोटर न्यूरॉन आता है जो कि मोटर यानी कि मसल एक्टिविटी हमारी जो कि परफॉर्म जो कि इसका लास्ट स्टेप होती है और मसल जो है वो उस तक मैसेज जाता है और वो वर्किंग शुरू कर देता है वेन अ सेंसरी रिसेप्टर इज स्टिम्यूलेटेड सिग्नल पास फ्रामिट थ्रो अ सेंसरी न्यूरोन टू द स्पाइनल कोड हमारी सेंसिस जो है जो कि सेंसरी न्यूरोन मैसेज देता है वो स्पाइनल कोड तक जाता है द मैसेज ट्रेवल आउट ऑफ द स्पाइनल कोड अलॉन्ग अ मोटर न्यूरोन टू द इफेक्टर ऑर्गन मोटर न्यूरोन से इफ़ेक्टर तक मैसेज जाता है जो कि हमारा मसल या ग्लैंड होता है मसल जो होता है वो एक्शन करता है और जो ग्लैंड होता है उससे केमिकल जो होता है वो रिलीज होता है विच एक्ट्स अकॉर्डिंगली सच आ पाथ वे इस कार्डा रिफ्लैक्स आक स्टेजिज ऑफ रिफ्लैक्स आक द मेन स्टेजिज ऑफ आर रिफ्लैक्स आक आर स्टीमुलस। स्टीमुलस होता है रिसेप्टर यानी जा, कि जो हमारी फिंगर टिप है सेंसरी न्यूरोन होते हैं रिले न्यूरोन जो कि मैसेज हमारी जो रिसेप्टर ने रिसीव किया है सेंसेज से यानी कि उसको फिंगर टिप को गर्म महसूस हुआ उसको पेन फील हुई है और जो उसने सेंसरी न्यूरोन को मैसेज दिया है वो रिले न्यूरॉन के थ्रू जाएगा के मोटर न्यूरॉन तब मोटर मोटर न्यूरॉन जो है वो इफेक्टर है रिसेप्टर होता है रिसीव करने वाला जिस जो कि हमारी स्टिमुलस ने किया है और उसके बाद जो हमारा मसल है वो होता है इफ़ेक्टर जिसने इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना होता है और उससे आगे जो मैसेज है वो हमारे मोटर न्यूरोन तक जाता है और इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है और आग से रिस्पॉन्स शो किया जाता है फॉर एग्जाम्पल द नर्व पाथ वे फॉलो आउट पा आर रिफ्लैक्स एक्शन इस कॉल डर रिफ्लैक्स आग फॉर एग्जाम्पल सिंपल रिफ्लैक्स आग हैपन्स इफ़ वी एक्सीडेंटली टच समथिंग हॉट रिसेप्टर इन द स्किन डिटेक्ट स्टीमुलस द चेंज इन टम्परेचर यानी कि हमारी स्किन ने एक डिटेक्ट किया है स्टीमुलस को जो कि टम्परेचर हाई था यानी कि जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि एक पैन या एक पॉट जो कि स्टोव के ऊपर है वो गर्म है और डिटेक्ट करके वो मैसेज हमारे ब्रेन तक जाएगा और फिर आगे से हमारा मसल जो कि रिसेप्टर का, का काम करेगा इफेक्टर का आगे उसने एक्शन प्रोड्यूस करना रिसेप्टर जो है वो रिसीव करने वाला जो कि हमारी फिंगर टिप है जिसने स्टीमलेस को रिसीव किया है और इफ़ेक्टर आगे हमारा मसल है जो कि एक्शन प्रोवाइड करेगा और फौरी तौर के ऊपर जो है वो हम हाथ जो है अपना वो पीछे कर लेंगे जैसे कि इधर फिगर में बताया गया कि रिसेप्टर ऑर्गन जिन्होंने रिसीव किया फिर सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जा रहा है स्पाइनल कोड पे स्पाइनल कोड जो है वो आगे मैसेज देती है मोटर न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन आगे मसल तक मैसेज जाता है मसल जो है वो एक्शन करता है और रिस्पॉन्स शो होता है यानी कि हाथ पीछे का लिया जाता है ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर वॉचिंग